बोले भाई जी मैं अरे महमूद देवू देवू महमूद भाई आए बाहर अब्बा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे चलो बाकी शुक्र लेने तो आए तुम क्यों खड़ी हो गई हो उन्हें बात करने दो मैं देख बेबी समझने की कोशिश करो मुझे देखने दो चलो बहुत खुश हो है ना हाँ लेकिन फिर मुझे समीना का चेहरा याद आ जाता है जिसका रंग उड़ गया था महमूद का नाम सुनते ही और मेरी सब खुशी खत्म हो जाती है लेकिन तुम तो कह रही थी उसकी मंग नहीं हो चुकी है झूठ बोल रही थी क्योंकि उसकी आंखें कुछ और कह रही थी और लफ्ज कुछ और समीना के साथ मेरा काम है जाहिर है उसी के साथ नजर भी आऊंगा मजबूरी है लेकिन काम को काम की जगह पर होना चाहिए आजकल ऐसा नहीं होता बिजनेस मीटिंग्स होती हैं और मिसेस खान मुझे अपने बेटों की तरह चाहती हैं उनके घर में कोई मर्द नहीं है क्या हो गया अगर मैं समीना के साथ कहीं चला जाता हूँ तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा कोई भी बीवी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी अगर मुझे यहाँ नौकरी करनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता उसने मेरे साथ ही धोखा नहीं किया बल्कि उस लड़की के साथ भी ज्यादती की है और ये बात मैं नहीं भूल सकती ऐसे अगर वो झूठ ना बोलता ना तो लेकिन जेबी अब गुजारा कैसे होगा मस्नूई जिंदगियां भी गुजारते ही है समझौते किए ही जाते हैं हर मर्तबा मैंने समझौता किया है ना हद तक कि उसकी मारपीट भी बर्दाश्त की है लेकिन मेरे होते पे कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए मैं तो तुमसे सिर्फ इन सवालों के जवाब चाहती हूँ ये सवाल तुमसे सब लोग करेंगे तुम्हें जहनी तौर पे हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा जेबी हर मर्तबा वही सब कुछ हुआ जो महमूद चाहता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा अब गुजारा भी तो करना है नौकरी ना करूं तो क्या करूं कारोबार सच्ची तो कह रहा है बेचारा कारोबार के लिए पैसा कहां से आएगा यही तो मसला है पैसा नहीं है कारोबार के लिए अब इससे अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिल सकती आप लोग जेबी को समझाएं कि वो मेरे साथ घर चले जैसे जिंदगी गुजर रही थी गुजर जाएगी नहीं इन हालात में उसका जाना मुश्किल है जेबी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तुम कुछ तय नहीं कर लेते एक बात आई है जहन में अगर आप मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे कुछ रकम उधार दे रहे तो बेटा बात यह है कि मैंने तो सारी रकम अपने स्टोर में लगा दी थी अब बच्चों की तालीम है घर का खर्चा अलग है अब स्टोर तो आप ही का है स्टोर को बेचा तो नहीं जा सकता ना उस स्टोर पे बैंक से लोन मिल सकता है आप स्टोर अपना चलाते रहिए मैं लोन से नया कारोबार शुरू कर लूंगा ठीक है लेकिन हमें अभी सोचना पड़ेगा हाँ अच्छी तरह आप सोच लीजिए
लोन के कागजात वगैरह मैं भर लूंगा। इस काम में मुझे काफी तजुर्बा हो चुका है। सही है कि जेबी की खुशी हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन दूसरे बच्चों में तो जिंदगी है, हम उनका हक तो नहीं मार सकते ना। ठीक है महमूद, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी, लेकिन एक शर्त है। जेबी को इसका कभी बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी मैं वापस। क्या हुआ? अभी तक तो कोई बात नहीं। बताओ तुम क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही मैं। असल में अबू गुस्से में तेज होने लगे थे, मैं इधर आ गई कि कहीं मुझ पे नजर ही ना पड़ जाए। मुझे क्यों नहीं बुलवाया? जरूरी नहीं समझा होगा ना, मिलना चाहती हूँ। बेहतर है थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। सिद्धार्था, रात अम्मी ने मुझे बहुत अजीब सी बात बताई। अच्छा क्या? कहने लगी जिस शाम सबा ने खुदकुशी की उससे थोड़ी देर पहले फारूक भाई हमारे घर आए हुए थे। वो अम्मी से पूछ रहे थे कि सबा उनसे कितने पैसे लेकर गई है। जब अम्मी ने बताया कि सबा उस दिन आई नहीं है तो फारूक भाई गुस्से में चले गए वहां से। कहने लगे मैं खुद मिल लूंगा सबा से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि फारूक भाई ने हमें बताया कि वो घर पर नहीं थे उस वक्त, उन्हें हमें बताया वो किसी दोस्त के घर थे। मगर अम्मी ये कह रही है कि वो घर गए थे क्योंकि उनको सबा से पैसे लेने थे। तो बड़ी कोई उलझी सी बात लगी। उलझी हुई बात नहीं है, फारूक भाई घर पर थे, उन्हें सबा से पैसे लेने थे। सवाल सिर्फ ये है कि अगर वो घर पर थे उन्होंने सबा को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, और हमसे क्यों छिपाया उन्होंने कि वो घर पर थे। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि ये सारी बातें अब क्यों तुम्हारे जहन में आ रही हैं? पता नहीं, जब से मैं जेबी से मिली हूँ मुझे एहसास हुआ कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था। मुमकिन है कोई बहुत बड़ा इंकशाफ होने वाला हो। मुझे कुछ एहसास है कि अब इसमें देर नहीं लगेगी। मुझे जेबी से मिलना है। घर पे नहीं है। कहाँ गई है? अपनी अम्मी के घर। तो ठीक तो है ना? हाँ खुदा करे ठीक ही हो। कि मैं बिल्कुल नलायक भाई हूँ, मुझे अपनी बहन को मनाना ही नहीं आता है, और जो कुछ सीखकर आकर सब भूल गया। खैर कोशिश करता हूँ। मेरी भैया नाराज ना होना, वरना मैं एक सूखे कागज की तरह बिखर जाऊंगा। सूखे पत्ते की तरह अली। हाँ वही सूखे पत्ते की तरह। देख तेरा भाई तेरे लिए शहर से क्या लेकर आया, परांदा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरी बहनों के बाल जो है ना मेरी जितने छोटे। ठीक है अगर तुम अभी भी नहीं हंसोगी ना तो मैं ये चार खा के जान दे दूंगा। इसमें एक मक्खी भी। क्या गंदी बातें करते हो अली। अच्छा है तुम हंसी तो, मुझे ये तुम उदास बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। इसका कसूर है अगर वो तुम्हारा मियाँ नहीं होता ना
अली, कोई बाहर से आके मेरे हालात नहीं बदल सकता, सब कुछ मुझे ही करना होगा। और फिर मेरी दो बहनें हैं, मुझे उनके बारे में भी। खबरदार, तुम वो ही करो जो तुम्हारे लिए सही है। हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, और ये आमिर अच्छी तरह जानता है सलमा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, ये मेरा अपना फैसला है और किसी का नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, तुम अम्मा की बातों में आ रही हो। नहीं, मैं अम्मा की बातों में नहीं आ रही। दुनिया में हर बंदा मुझसे नाराज हो सकता है, मगर मेरा भाई अली तो नहीं नाराज हो सकता मुझसे। किसके साथ स्टूपिड बातें कर रही हो, तुमने सुना? अच्छा ना, सॉरी। ऐसे लगते हो तुम मुझसे, क्या हंसी आ रही था? हंसो, सारा क्यूट बनने की कोशिश नहीं करो। चाट खाओ, तुम पहले खाओ चाट। तुम लेके आए हो, तुम खाओ, मैं क्यों खाऊं? मक्खी वाली चाट। अपने भैया पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी यार, अपने भाइयों के लिए क्या क्या नहीं करती, तो मैं चाट नहीं खा सकती।